नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं इंजीनियर जितेंद्र कुमार आज आप लोगों को सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बारे में बताऊंगा, द्वितीयक अवकल गुणांक कैसे किया जाता है। ओके, सेकंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं हिंदी में द्वितीयक अवकल गुणांक। ओके, क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का द्वितीयक अवकल गुणांक ज्ञात करो। ओके डियर, अब इसको जब हम हल करेंगे तो क्या करना है, सॉल्यूशन माना y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x। ओके, अब इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये dy upon dx is equal to d upon dx x cube plus 2x square plus 3x। ओके, अब dy upon dx is equal to ब्रैकेट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, d upon dx x cube plus d upon dx 2x square plus d upon dx 3x। ओके, अब क्या करेंगे, dy upon dx is equal to d upon dx x cube plus, अच्छा पद को बाहर ले लेंगे, 2 into d upon dx x square plus, अच्छा पद इसमें बाहर ले लेंगे 3 को, d upon dx x। ओके, अब इसमें हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, ये d upon dx x power n is equal to क्या होता है, n into x power n minus 1, तो ये हो जाएगा dy upon dx is equal to 3 into x power 3 minus 1, ये वाला हम सूत्र लगा दिया। अब ये हो जाएगा 2 into ये 2 x square तो क्या हो जाएगा 2 into x power 2 minus 1 plus 3 into dx upon dx का अवकलन क्या होता है 1। ओके, अब ये हो जाएगा dy upon dx is equal to 3x square plus 4x plus 3 into x power 3 minus 1 तो x square होगा, 3 into x square plus 2 into 2 4 हो गया, x power 2 minus 1 तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 1 3। अब इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, d upon dx dy upon dx is equal to d upon dx 3x square plus 4x plus 3। ओके, अब क्या करेंगे, ये d square y upon dx square is equal to d upon dx 3x square bracket हटा देंगे, फिर d upon dx 4x plus d upon dx 3। ओके, अब
इधर देख लेते हैं dy dy स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा फिर यहां ले लिया d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx है, ये जो है 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स है एक्स हो गया प्लस डी अपॉन डी एक्स 3। ओके अब ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू, इसमें फिर हम ये जो सूत्र बनाए थे डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ये सूत्र लगा देंगे क्या जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू डी एक्स पार डी एक्स का अपॉन क्या होता है 1 इंटू 1 प्लस ये अचर पद का 0 होता है, डी अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू 0, कोई भी अचर पद होता है तो उसका अपॉन 0 होता है। ओके ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6 एक्स 2 माइनस 1 1 बचेगा तो 6 एक्स हो जाएगा प्लस 4। ओके ये हमारा आंसर आ गया। ओके डियर इस तरीके से जो है हम द्वितीयक अवकल गुणांक निकालते हैं, अगर तृतीय अवकल गुणांक पूछा जाए तो हम 3 बार अवकलन कर देंगे, चतुर्थक अवकल गुणांक पूछा जाए तो हम उसका 4 बार अवकलन कर देंगे। ओके डियर तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था x2 + 2x2 + 3x का द्वितीयक अवकल गुणांक याद करो, तो हमको क्या करना है सबसे पहले हमारा y = x3 + 2x2 + 3x इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, जब x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा dy/dx = d/dx ब्रैकेट में x3 + 2x2 + 3x। ओके तो अब ब्रैकेट लगा देंगे तो ये आ गया, तो इसके बाद जो है इसका हम अवकलन कर देते हैं, ये सूत्र लगा लेते हैं। ठीक है तो जब अवकलन करते हैं तो लास्ट में dy/dx क्या आता है 3x2 + 4x + 3, फिर इसका हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जब पुनः दोबारा जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx = d/dx 3x2 + 4x + 3 इसमें ब्रैकेट लगा दिया तो d2y/dx² 3 × d/dx x² + 4 × d/dx 3। अब इसमें हम ये सूत्र लगा दिया तो हमारा ये आ गया, फिर अचर पद dx/dx है 4 × dx/dx इसका 1 होता है, अचर पद का 0 होता है, तो जब हम इसको हल कर देंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 2 में 1 गया 1 तो x^1 तो 6x + 4 ये हमारा आंसर आ गया। ओके एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूँ। ओके डियर देख लीजिए जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 4x³ + 2x + 1 का द्वितीयक अवकलन ज्ञात करो। ओके डियर तो इसको हम हल करेंगे सॉल्यूशन, माना y = 4x³ + 2x + 1 अब इसमें x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा dy/dx = d/dx 4x³ + 2x + 1। ओके ये हो जाएगा d/dx 4x³ + d/dx 2x + d/dx 1। ओके डियर अब ये हो जाएगा 4 × dx x³ + 2 × dx x + d/dx 1। अच्छा तो हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 × 3x, सॉरी x³ का अवकलन क्या होगा
थ्री इंटू एक्स स्क्वायर टू माइनस वन प्लस टू इंटू एक्स का वन अचर पद का जीरो होता है, तो क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एक्स प्लस टू, ये डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये आ गया है। ठीक है, इसका कौन सा अवकलन पूछ रहा था, द्वितीय का अवकलन। ओके डियर, तो पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ट्वेल्व एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ट्वेल्व एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स टू, तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स टू, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व इंटू वन, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स है तो इसका वन हो जाएगा प्लस अचर पद का जीरो होता है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व हमारा ये आंसर आ गया। ओके डियर, इस तरीके से जो है कि हम अवकलन याद कर सकते हैं, चाहे द्वितीय पूछा जाए चाहे तृतीय पूछा जाए चाहे चतुर्थ चाहे पांचवा चाहे जितने तक पूछा जाए उतने को हम जो है उतनी बार अवकलन कर देते हैं। दो बार पूछा जाए दो बार अवकलन करेंगे, तीन बार पूछा जाए तीन बार अवकलन करेंगे, चार बार पूछा जाए तो चार बार अवकलन करेंगे। ओके डियर, अब आप लोग समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।